यहाँ 777 चार्ली के साथ ना बहुत ही बुरा हो रहा है। इस फिल्म को स्क्रीन से नहीं दिए जा रहे। अगर मैं सामने से आके इस पे बात करूंगा तो बहुत सारे लोग जल जाएगी यार। यही तो दिक्कत है यार कि कोई सच सुनना नहीं चाहता यार। तुम लोग जाके देखो भाई 777 चार्ली को हिंदी बोल कर कितने स्क्रीन मिले हैं यार। यार सीरियसली मैन, मतलब ये सब सारी चीजें देख के सच में यार बॉलीवुड से नफरत होने लगता है यार। पता नहीं क्यों बट होने लगता है। एक जो लोग कंटेंट डिलीवर नहीं कर रहे हैं, दूसरा जो लोग कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो लोग अपने साइड में स्क्रीन से नहीं देते हैं। ये लोग इस तरीके से चेन बना दिए हैं। जैसे हम सबको पता है पृथ्वीराज चौहान को यशराज फिल्म्स बना रही है। यशराज फिल्म्स एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है और साथ साथ यशराज फिल्म्स भाई फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। तो यहाँ भाई जो भी थिएटर ओनर है वो लोग भाई यशराज को नाखुश नहीं कर सकते। इस वजह से पृथ्वीराज चौहान को लोग देखने भी नहीं जा रहे। इक्का दुक्का लोग देखने जा रहे हैं फिर भी वो लोग भाई सोच चला रहे हैं। बट जो थिएटर ओनर भाई थोड़े से होशियार है, थोड़ा सा मतलब उनके अंदर गट्स है भाई, वो लोग अच्छी फिल्मों को चला रहे हैं जिस फिल्मों को भाई पब्लिक देखने जा रही है। अभी भाई पृथ्वीराज चौहान को हिंदी बेट में चलाया जा रही है और इतने सारे स्क्रीन को होते हुए भी पृथ्वीराज चौहान कितना कलेक्शन कर रही है पता है? 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए ही कलेक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इतना एक बेहतरीन फिल्म रिलीज हुआ जिस फिल्म का नाम है 777 चार्ली, इस फिल्म को भाई पब्लिक प्यार दे रही है यार। सीरियसली मैन, पब्लिक बहुत ज्यादा प्यार दे रही है। जो भी लोग इस फिल्म को देख के आ रहे हैं भाई वो लोग का एक ही चीज कहना है यार, ये बहुत ही इमोशनल फिल्म है यार। और मैं तुम लोग से बोलना चाहता हूँ सीरियसली मैन, ऐसी फिल्म है ना भाई लाइफ में एक आध बार ही देखने को मिलती है। इस तरीके से डायरेक्टर ने प्रेजेंट किया है एक प्यारे से स्टोरी को, एक इंसान और एक डॉग की स्टोरी को जिस तरीके से फिल्माया गया है इस फिल्म में भाई बहुत ही प्यारा लगता है। तुम लोग ये बताओ, डायरेक्टर ने मेकर्स ने इतना मेहनत करके एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म को तो बना दिया बट वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि भाई इस फिल्म के स्क्रीन्स नहीं दिए जा रहे हैं। बट ये फिल्म भाई डिजर्व करती है ज्यादा स्क्रीन्स यार, बट अभी भी भाई इसके स्क्रीन्स नहीं दिए जा रहे हैं। घटिया फिल्म को ये लोग चला रहे हैं लेकिन भाई स्क्रीन्स नहीं दे रहे हैं। देख रहे हो ना दोगलाबंदी लोग, 100 200 300 स्क्रीन भाई ये अपना 777 चार्ली हिंदी फिल्म में डिजर्व नहीं करता, इससे ज्यादा डिजर्व करता है। और मैं रक्षित शेट्टी से भी बोलना चाहता हूँ, जो इस फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कंपनी है प्लीज आप उनको बोलो यार कि जो स्क्रीन बढ़ा है पब्लिक डिमांड कर रही है। ऐसे ही हुआ था भाई ASN के साथ, ओने शर्मा नारायण के साथ, फिल्म में भी अपना भाई था। वो फिल्म का लेवल अलग था यार सीरियसली, मतलब वो फिल्म भाई पैन इंडिया स्केल डिजर्व करता है। बट वहां रक्षित शेट्टी ने बहुत ही कोशिश किया ASN को पैन इंडिया में रिलीज करने का बट उस फिल्म के साथ ही बहुत ही गंदा खेल हो गया। फिर मजबूरन भाई हिंदी बेल्ट में उस फिल्म को रिलीज नहीं करवाया गया। सो ये आलम है भाई हमारे साइड का। एक चीज और मैं तुम लोगों को बताऊं, ये लोग जो बॉलीवुड वाले ऐसे हरकतें कर रहे हैं ना भाई, यही वजह है कि इनकी फिल्में भाई बॉक्स ऑफिस पर आके आंधे मुंह कर रहे हैं। लोग अपने काम पे फोकस नहीं करेंगे, स्टोरी पे फोकस नहीं करेंगे, नए डायरेक्टर नए टैलेंट को खोजेंगे नहीं। ये लोग क्या करेंगे कि वो फिल्में आ रही है भाई हमारे हिंदी बिल्ड में, उस फिल्म के स्क्रीन छीना जाए ये लोग करेंगे यार, बट अपने कंटेंट पे कभी फोकस नहीं करेंगे यार। सो मैं तुम लोग से एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो भी लोग इस फिल्म को नहीं देखो भाई तो प्लीज 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 तुम्हारा भाई रिक्वेस्ट कर रहा है यार, थोड़ा ट्रैवल करके देख लो यार। अगर तुम्हारे आसपास थिएटर में अगर ये फिल्म नहीं लगाया तो, अगर थोड़ा दूर पे भी लगाया तो जाके देख लो भाई, ये फिल्म डिजर्व करती है सारी चीजें। तुम लोग थोड़ा ट्रैवल भी करके जाके देखोगे नहीं इस फिल्म को यार, जब ये फिल्म खत्म होगा ना तो तुम लोग बोलोगे यार नहीं मैं जिस फिल्म के लिए इतना ट्रैवल करके आया हूँ देखने के लिए वो फिल्म भाई डिजर्विंग है यार, पैसा बर्बाद नहीं किया ये फिल्म यार। सीरियसली मैन बहुत ही इमोशनल फिल्म है यार सीरियसली, मतलब वही मैं तुम लोगों को बोला स्टार्टिंग में, ऐसी फिल्में भाई लाइफ में एक आध बार देखने को मिलती है। सो उनमें से ये फिल्म है। वो अच्छी फिल्म होती है ना भाई, मैं दिल से तारीफ करता हूँ कि तुम लोगों को पता है, जो लोग देखते हैं वो लोगों को पता है, और ये अच्छी फिल्म है अपना 777 चार्ली यार, और ये फिल्म भाई डिजर्व करती है ज्यादा स्क्रीन। ये फिल्म को कर्नाटका के साथ साथ साउथ साइड के अदर स्टेट में भाई काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इनफैक्ट हिंदी में भी भाई अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, चाहे इसको शोज मिले हैं भाई 50-55% शोज भाई हाउसफुल जा रहे हैं, फिर भी भाई स्क्रीन नहीं बढ़ाया जा रहा है। अगर यही चीज अगर कोई बॉलीवुड का फिल्म कर दिया होता ना भाई, हड़कम मचा देते ये लोग बॉलीवुड के, जो भी वो बिके हुए जो भी पत्रकार होते हैं ना, मीन्स जो भी रिपोर्टर होते हैं मीडिया एनालिस्ट होते हैं भाई, वो एकदम हड़कम मचा देते। वो लोग इस लेवल पर हाई बनाते कि भाई बॉलीवुड की बहुत ही खतरनाक फिल्म आई है जिस फिल्म को भाई पब्लिक बहुत देखने जा रही है, बट वहीं साउथ की एक फिल्म आई है 777 चार्ली, इस फिल्म को लेकर कोई बात नहीं कर रहा, इस फिल्म के स्क्रीन को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा यार। ये बता ना दोगलापंथी नहीं है तो और क्या है यार। असली एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूँ, ये बॉलीवुड वाले थिएटर में ना भाई इस फिल्म के स्क्रीन नहीं दे सकते हैं। जब ये फिल्म OTT पे आएगा भाई तो कैसे रोक लेंगे यार, रीच रोक लोगे आप लोग? हाँ इतना गुर्दा हो गया। ये फिल्म OTT पे आएगा ना भाई एकदम वायरल होगा ऐसे करके, ये मुझे लगता है ना कि सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला फिल्म में से एक फिल्म बनने वाला है ये,
अपना 777 चार्ली, क्योंकि ये फिल्म ना भाई फैमिली ऑडियंस को टारगेट करके बनाई गई है। तुम्हारा क्या कहना है, अपना ओपिनियन तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। सो चलो मेरे इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।